टू माई चैनल, दिस इज विशाली। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक लेके आई हूँ, जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में आप कर सकते हैं। सारी लेडीज भी हैं जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, इसमें से कुछ स्टेप्स हैं आप वो हटा सकती है। इफ़ यू आर अनमैरिड, इफ़ यू आर मैरिड देन यू कैन ऐड सम स्टेप्स इन इट। तो मैंने आपको ये बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा स्टेप मैं आपको करके बताऊँगी कि आप कैसे, अगर आप हाउस वाइफ हैं या फिर आप कोई ऐसी जॉब करती हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेकअप वेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क होता है, लाइक अगर आप टीचर हैं तो फिर आप किस तरीके का मेकअप करके आप अपने स्कूल में जा सकती हैं, घर में आप अपने, अगर आप चाहती हैं कि आप मेकअप करें बट वो मेकअप बहुत ज़्यादा क्लमजी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, तो फिर आप इस तरीके का मेकअप लुक आप अपने आप को दे सकते हैं, जैसे मैंने आज इस वक्त मैंने कर रखा है। सो इसके बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का मैंने यूज़ करा है या मैंने ऐसी कोई चीज़ को यूज़ करी है। ये बहुत ही बेसिक सा आपको मेकअप लुक आज क्रिएट करना बताऊँगी। इसमें आपको फाउंडेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप बिना फाउंडेशन के कैसे अपनी स्किन को फ्लॉलेस दिखा सकते हैं, आज के इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताऊँगी। ओके, सो जस्ट लाइक अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आप यहाँ से बिंदी स्किप कर सकते हैं। अगर आप सिंदूर लगाना प्रेफर करती हैं तो फिर आप सिंदूर को हटा सकते हैं, तो आपका जो ये पूरा लुक होगा ये अनमैरिड वाला हो जाएगा। इफ़ यू आर अ मैरिड देन यू कैन ऐड दोज थिंग्स, आप बिंदी लगा सकती हैं, आप सिंदूर लगा सकती हैं, आप अपने गले में मंगलसूत्र पहन सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकती हैं। राइट नाउ मैंने अपना हेयर स्टाइल बहुत ही नॉर्मल सा रखा हुआ है। मैंने घर में मैं जैसे रहती हूँ तो फिर मैं हमेशा या तो बन बना के रहती हूँ अपने हेड पे, या फिर मैं एक चोटी बना के रखती हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है लंबे बाल हैं तो फिर मैं खुले करके नहीं रह सकती, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ऊपर से घर में छोटी बेबी भी है तो फिर यू नो बाल खुले रखने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो मैंने आज बहुत ही सिंपल से बेसिक स्टेप्स में मैं आपको बताऊँगी ये कैसे आप अपने इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने ये अभी लुक क्रिएट करा हुआ है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें आपको बहुत सारी, मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी, कुछ ट्रिक्स बताऊँगी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को कर दीजिए अभी सब्सक्राइब, सो दैट फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो जितनी भी होंगी वो आप इजीली देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने हेड में हेयर बैंड, सो दैट छोटे छोटे जो बाल है वो मेरे फेस पर ना आए और मेकअप इजीली हो जाए। एंड देन सबसे पहले मैंने लिया है ये गुलाब जल एज अ टोनर, ताकि मेरे फेस में जितने भी पोर्स हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाएं और मेकअप इजीली हो पाए। उसके बाद मैंने लिया है VLCC का ये SPF 50 वाला क्रीम। मैं इसको एज ए मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करूँगी, और गर्मियों का टाइम भी है तो फिर हमारे फेस में सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए भी आप इसको गर्मियों में तो ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, एक अच्छे SPF का आपके पास हमेशा एक मॉइस्चराइज़र क्रीम होना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे फेस को मॉइस्चराइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर। आप इस स्टेप को गाइस बिल्कुल, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं हैं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंसीलर नहीं भी है तो भी आप इसका काम चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अच्छी एक BB या CC क्रीम है तो आप उसका एक सिंगल कोट लगा सकते हैं, अगर सिंगल कोट से अगर ये कवर अप नहीं होता है तो फिर आप उसके दो कोट्स भी लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको अपनी फिंगर टिप से इसको अच्छे से कर दिया है ब्लेंड, अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो फिर आप उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास अगर मेकअप ब्रश है तो फिर आप उससे भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और अभी ये लगभग अच्छे से काफ़ी ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद मैं लूँगी पॉन्ड्स की BB क्रीम। अगर आप फाउंडेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक अच्छी क्वालिटी का आप BB क्रीम या फिर एक CC क्रीम ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छे ब्रांड का। मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स की BB क्रीम ली है, जो बहुत ही नेचुरल सा लुक देती है आपकी स्किन पे, और एक काफ़ी अच्छा सा ग्लो भी इससे आपके फेस में आ जाएगा। सो आप अपने डेली वेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप फाउंडेशन पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप इसको, और ये काफ़ी इजीली ब्लेंड भी हो जाता है आपके फिंगर से, आपको इसके लिए कोई और दूसरे टूल की ज़रूरत है ना ही आपको कोई ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत है ना ही आपको कोई मेकअप ब्रशेज़ की ज़रूरत है इसके लिए। सो आप इसको अपनी फिंगर टिप से भी बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको लगाने के तुरंत बाद ही मेरे फेस में कितना प्यारा सा एक ग्लो आ गया है बिल्कुल। इसके बाद मैंने लिया है ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर, और अब मैं ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है इसको अपने फेस पे लगा लूँगी काफ़ी अच्छे से, सो दैट मैंने जो ये बीबी क्रीम लगा रखी थी और इसके नीचे जो मैंने मॉइस्चराइज़र लगा रखा था वो सारा का सारा इसमें सेट हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। कॉम्पैक्ट को लगाने का मतलब ये है कि आप एक तरह से आपने जो ये नीचे बेस लगाया था वो बिल्कुल सील हो जाता है, आपको स्वेट भी नहीं आएगा, ये स्वेट प्रूफ बिल्कुल आपका मेकअप हो जाएगा। तो आपके वो एरियाज़ आपको जहाँ पे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको पसीना आता है वहाँ पे आप इसको अच्छे से लगाएं। इसके बाद मैंने ली है रिवॉल्यूशन की एक आई पैलेट। यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड लिया है अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। ये अगर आपके पास अगर आईब्रो पेंसिल है तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई जेल यूज़ करते हैं अपने आईब्रोज़ के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक स्टेप्स, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप कैसे जुगाड़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर आई शेडो पैलेट जो ले रखा था, मैंने यहाँ पर जो ब्लैक शेडो था मैंने उससे अपने आईब्रोज़ को करा है फिल। हम देख सकते हैं बिल्कुल ही नेचुरल सा लुक आता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने ये आई शेडो यहाँ पर यूज़ करा है। सो अगर आपके घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो जुगाड़ करके आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया। सो ये काफ़ी अच्छा है कि अगर मेरे पास कभी आईब्रो जेल नहीं होता है, आईब्रो में करने के लिए कोई पेंसिल नहीं होती है तो फिर मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी पेंसिल हमेशा इधर उधर गायब हो ही जाती है। और मेरी आईब्रोज़ यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड देन इसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पे काजल। आप रेगुलर जो काजल यूज़ करते हैं आप वो लगा सकते हैं, घर पे बना हुआ काजल भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद मैंने लाइनर के लिए लिया है यहाँ पे जेल लाइनर, और इसको अब मैं अपनी आईज़ के ऊपर लगाऊंगी एज अ विंग लाइनर। मुझे पर्सनली विंग लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसको मैं काफ़ी अच्छे से अपने आईलिड के ऊपर लगा लूँगी। जेल लाइनर गाइस काफ़ी अच्छा होता है, लाइक अगर आप इसको लगाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, और जैसे गर्मियों में होता है ना काफ़ी का कि जैसे पसीना आता है और काजल फैल जाता है, तो इसके साथ वो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ही टिकता है। आप एक बार अपना ज़रूर एक बार आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके आप इसको ज़रूर ख़रीदें, बहुत अच्छा होता है जेल लाइनर। और यहाँ मैंने अपने दोनों आईज़ में कम्प्लीटली लगा लिया है जैसा मुझे चाहिए था। इसको आप लाइटली लगाना चाहते हैं तो लाइटली भी लगा सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल जेट ब्लैक कलर चाहिए तो फिर आप इसको डबल कोटिंग करके भी आप इसको डार्क डार्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा, और ये मैंने अपने आईलिड्स के ऊपर लगा लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे इसको इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था वो थोड़ा थोड़ा सा आईलिड्स के ऊपर लग जाता है, और वो थोड़ा वाइट वाइट से जो होती हैं आपके पलके वो लगने लग जाती है, तो फिर आप इसको लगा के काफ़ी अच्छी से, एक तो आपकी आँखें भी थोड़ी खुली खुली सी लगेंगी। सो आप डेली यूजेज़ में अगर आप काजल लगाते हैं तो काजल के बाद आप ये मस्कारा भी ज़रूर लगाइए, आंखें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी। ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पे फैल गया था तो मैंने अपने फिंगर से इसको क्लीन कर लिया है। देन उसके बाद मैंने लिया है फिटमी का ये ब्लशर,
और इसको मैं बहुत ही लाइटली अपने चिक्स पे लगाऊंगी। एक्चुअली ये जो इसकी बहुत ही ज़्यादा टिंटेड नहीं है, बहुत ही लाइट है और बहुत ही नेचुरल सा ये आपको एक कलर देता है आपके चिक्स पे, बहुत ही नेचुरल सा लगता है ये वाला ब्लश। और मैंने यहाँ पे अपना ब्लश भी लगा लिया है एंड देन उसके बाद मैंने ली है यहाँ पे मेबलिन का लिप ग्लॉस। और लिप ग्लॉस लगाने के बाद मैंने लगाई है यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी और ये मेरे लुक को पूरा कंप्लीट कर देगी। और ये रहा मेरा कंप्लीट लुक। आज की वीडियो में बस इतना ही था। कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको कर दीजिए अभी सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।